मिर्जापुर में खाकी वर्दी वालों ने साथी का शव सड़क पर रखा और हाथ जोड़ लिए। जी हाँ, ये अजीबोगरीब दृश्य मिर्जापुर से सामने आ रहा है, जहाँ पहली बार खाकी वर्दी वालों को सरे रहा हाथ जोड़कर सड़क पर खड़ा, जिसने देखा उसी के कदम ठिठक गए। खाकी वर्दी पहनकर अपनी ड्यूटी पर निकले साथी की मौत के बाद वर्दी वालों ने साथी का शव सड़क पर रखकर मदद की आस में हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आपको बता दें कि लालगंज थाना क्षेत्र निवासी पीआरडी जवान शंभूनाथ यादव रोज की तरह कटरा कोतवाली क्षेत्र के मंडी समिति में अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। इसी दौरान बुधवार को लहंगपुर में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में उसकी मौत हो गई। गुरुवार को उसका पोस्टमार्टम किया गया। शव मिलने के बाद साथियों ने सड़क पर शव रख कर आवागमन अवरुद्ध कर दिया। उनके हाथ जोड़कर खड़ा होने पर लोगों के कदम खुद ही रुक गए। खाकी वर्दी वालों का हाथ जोड़कर खड़ा होना लोगों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। मृतक के साथियों ने बताया कि 6 माह की ड्यूटी के बाद 2 माह बेरोजगार रहने वाले जवानों को सरकारी स्तर पर कोई सुविधा नहीं है। किसी की मौत होने पर कफन का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो जाता है। सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जवानों को भी बीमा और सरकारी मदद नसीब हो। यही नहीं, खाकी वर्दीधारी जवानों ने मृतक के परिवार के भरण पोषण, उनके बेटे को नौकरी देने की मांग भी की। इतने लोग पीआरडी के जवान गरीब हैं सर, की दाह संस्कार भी नहीं कर पा रहे हैं। इनकी ड्यूटी 6 महीना चलते हैं और 6 महीना बैठाया जाता है जवानों को। तो हमारी मांग है कि सर, जैसे बीमा होमगार्ड विभाग और विभागों को मिलता है, तो एक्सीडेंट हो गया तो उनका 5 लाख का बीमा हो, और इनके मरने के बाद बच्चों को नौकरी मिले, नहीं सरकारी नौकरी मिले सर, पीआरडी विभाग जैसे हैं हम पीआरडी विभाग में ही इनके बच्चों को स्थापित किया जाए।